नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे 132 दिन परे देशर दैनिक कोरोना संक्रमण संख्या 30,000 तळकु खसिछि। मंगलवार देशरे चिन्हट होइछन्ति 29,699 आक्रांत। एहाकु मिसाई देशरे मोट आक्टिव केस 3,98,100 कु वृद्धि पाइछि। केरल कु छाडी उत्तर पूर्वांचल राज्यरे कोरोना संक्रमण वर्तमान बढ़िबारे लागिछि। आसाम कु बाद दे अन्य उत्तर पूर्वांचल राज्यगुडिकरे गत सप्ताहठारु 17.2% संक्रमण बढ़िछि। केवल केरलरे गत सप्ताहरे 1,00,000 अधिक आक्टिव केस चिन्हट होइछन्ति। आईसीएमआर डीजी प्रोफेसर बलराम भार्गव कहिछन्ति जदियो सारा देशरे सामग्रिक भावे साप्ताहिक संक्रमण हार ह्रास पाइबारे लागिछि किंतु किछि राज्य क्षेत्रे एहि हारकु नै वर्तमान भी चिंता रहिछि। समग्र देशरे सेभळी 22 जिल्लाकु चिन्हट करा जाइछि। अन्य किछि देशरे कोरोना संक्रमण पुणि बढ़िबारे लागिछि। मनीष थकि जाइपारे किंतु भूताणु थकिब नाहि बोली कहिछन्ति आईसीएमआर डीजी। सेपटे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालयर जुग्म सचिव लव अग्रवाल कहिछन्ति देश जनसंख्यार 10% लोक संपूर्ण टीकाकरणरे सामिल होइ सारिलेणि। ए पर्यंत समग्र देशरे मोट 44 कोटि टीका डोज दिया जाइ सारिलाणि। केवल महाराष्ट्र देशर प्रथम राज्य जेउठि 1 कोटिरु अधिक लोक डबल डोज टीका नै सारिछन्ति। छोट पिलांक पई टीका आसंता सेप्टेम्बर सुद्धा प्रस्तुत हेबाकु उद्यम करा जाउछि। पिलांक टीकार ट्रायल शेष पर्यायर पहुंचिथिबा कहिछन्ति स्वास्थ्य विभागर जुग्म सचिव लव अग्रवाल। जिलों में पिछले 4 हफ्तों में डिक्रीज की बजाय इंक्रीज हमारे पास विजिबल हुई है, तो आज हमने उसको सामने चिन्हित किया है। इट मे बी अ चांस, इट मे बी ओनली एन एबरेशन, बट इट इज ऑल्सो अ कंसर्न, कॉज फॉर कंसर्न दैट वी हैव टू बी केयरफुल कि जिस जिलों में केसेस गिर रहे थे वहाँ पे बढ़ोतरी आई है। वेव अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, वायरस कम होता होता फिर सजग हो जाता है, और जैसे कहा गया कि वी मे बी टायर्ड बट वायरस इज परहैप्स नॉट टायर्ड, तो ये एक अलर्ट है हमारे लिए इसकी तरफ देखना। वी आर हैप्पी कि कल की जो नंबर आज आया है हमें 30,000 से नीचे आया है, बहुत 132 दिन के लगभग बाद, लेकिन वी होप इट इज सस्टेन एंड वी होप इट विल डिक्लाइन फर्दर टू अ मच मच लोअर लेवल। कि जो हमारी कुछ वैक्सीन हैं, चाहे वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है या जाइडस कैडिला की एक और वैक्सीन है, उसके ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आएगा, रोबस्ट इनफ होगा, एक्सपर्ट्स डिसीजन के बेसिस पर वह डिसीजन लिया जाएगा कि उसको हम बच्चों के लिए अलाउ कर पाएं। दूसरा, आपने डेल्टा प्लस के बारे में पूछा है, तो इसी मंच पर इससे पहले बताया गया था कि जो हमारी वैक्सीन हैं वह डेल्टा और जितने बाकी स्ट्रेन हैं बोथ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, उनकी थोड़ी एफिकेसी में एक माइनर चेंज नोट किया जाता है, लेकिन हमारी वैक्सीन सारी इफेक्टिव है।